अस्सलाम वालेकुम, आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। टाइम हो रहा है 12:45, मैं अभी उठा हूँ और अब मैं जाने लगा हूँ ट्रैवल एजेंसी और आपको रास्ते में व्यू दिखाता हूँ। मौसम बार का बहुत क्लासिक हो रहा है आज भी, कल तो था लेकिन कल धूप थी लेकिन आज धूप नहीं है और आज मौसम बहुत क्लासिक हो रहा है, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्त को मैंने बुलाया था, वो कह रहा था मैं रास्ते में हूँ, आप पार्क में आ जाओ। मैं पार्क आया हुआ था, अब ये भी आ गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? इतना टाइम लगा दिया? बस यार ट्रैफिक बहुत है इसलिए। अच्छा, और आप सुनाए? हाँ जी, ये मेरा दोस्त है, बहुत प्यार करता है मुझसे और आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आप जब इसको देखेंगे हर वीडियो में पता नहीं आएगे ना आए लेकिन आएगा ज़रूर, मेरी कोशिश है इसको ज़रूर लेके आए इंशाल्लाह। ये हमारा पार्क है, काफ़ी बड़ा है, पहले ग्राउंड होता था, पार्क बना दिया। हम पहुँचने वाले हैं अल-मुज़म्मिल एजेंसी में, रास्ते में थे, इशारा बंद हुआ था, हमने कहा आपको दिखाएं धूप कितनी तेज़ है। आप नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ लें फिर बैठ के बात करते हैं, नमाज के बाद दोबारा बैठ के बात करते हैं, फिर पता लगता है। ठीक है, फिर आपको और बताते हैं, अपडेट देते हैं। और दफ्तर बैठे हुए अब उनसे बातचीत हो रही है तो वो यही कह रहे हैं कि जी सऊदीया की फ़्लैटें नहीं खुली हुई, अभी सऊदीया की फ़्लैटें नहीं खुली। और मैंने उन्हें कहा फ़्लैटें खुली हुई हैं, पहले भी इन्होंने कितनी देर हो गई ऐसी तंग कर रहे हैं, वीज़ा रखा हुआ है, पैसे ले लिए हैं, कर नहीं रहे। अब देखो इससे से आया हूँ, फ़ाइनल करें या नहीं करेंगे, नहीं तो भाई मेरे पैसे वापस दें, इस वजह से आया हूँ। देखो आज फ़ाइनल मैं करके जाऊँगा यहाँ से, था परेशान करते हैं। 4 महीने से इन्होंने मुझे खज्जल किया, अब 3 महीना, कल 16 तारीख है, तीसरा महीना ख़त्म हो जाएगा, वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। तो वही मैंने कह रहा हूँ कि भी मेरा कल वीज़ा एक्सपायर होगा, आगे से कह रहे हैं तो बकाया अब गया आगे किसी को फ़ोन करने के लिए, बात है तो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। अब जो है उन्होंने 21 तारीख को बुलाया हमें, वो कह रहे हैं 21 तारीख को आप आएँ दोबारा, मेडिकल आपका फ्री, तो दोबारा मेडिकल होगा, दोबारा मेडिकल करवाएं तो फिर आपका वीज़ा लगेगा और आपका मेडिकल ख़त्म हो गया उसकी वजह से इशू आ रहा है। अब बार बार मैंने उन्हें ये कहा कि यार मैं कैसे मेडिकल करवाऊँ, बार बार कैसे ये सारा कुछ करवाऊँ, वो कह रहे हैं कि नहीं करना तो पड़ेगा। अब उसकी वजह से 21 तारीख को उन्होंने कहा आपको कॉल आ जाएगी, 21 तारीख को आप आ जाना, अब देखें क्या करते हैं। बस ऐसे ही इन्होंने खज्जल किया है और कुछ भी नहीं। अब निकलें घर की तरफ, धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा धूप तेज़ है, आँखें नहीं खुल रही, धूप इतनी तेज़ है। बहुत तेज़ धूप हो रही है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कभी आपके साथ भी ट्रैवल एजेंसी वाले ने ऐसे किया, आपका इंटरव्यू हो, आप पास हो, आपने पैसे भी दे दिए, हर चीज़ कर दिया, मेडिकल भी करवा लिया, 3 महीने के अंदर मेडिकल एक्सपायर होता है, ठीक है, और 3 महीने के अंदर जो आपका वीज़ा लग के आया था वो एक्सपायर होता है। पहले फ़्लाइटें थी, उनकी वजह से मसला बन रहा था कि बाय वाली फ़्लाइटें जा रही थी और वो भी उनके रेट हाई थे, उस वजह से इन्होंने करवाए नहीं। अब जो है वीज़ा एक्सपायर हो गया, मेडिकल एक्सपायर हो गया, अब दोबारा वो कह रहे हैं मेडिकल करवाने को। अब बताइएगा मुझे लाजमी है, कमेंट्स करके। अब निकलते हैं घर की तरफ। हम आए हैं चाचा जी दाल चावल के पास, रश देखें इनके पास इस टाइम कितना रश है, 3 बज रहे हैं और रश इनके पास बहुत ज़्यादा। ये बंदा कह रहा है टेस्ट है, बहुत ज़्यादा टेस्ट है इसका, बकाया अब आते हैं खाते हैं, आपको बताते हैं और दिखाते हैं कैसा है इसका टेस्ट, अच्छा है कि नहीं। दाल चावल तो आ गए हैं, इस पर सलाद तो रहता, देखने में तो मज़ेदार लग रहे हैं, बकाया खा के देखते हैं कैसे है कि नहीं। मैंने कहा तुम खा के पहले बताओ ना सही टेस्ट है कि नहीं, तो इसने तो कहा मज़ेदार है, इसने आगे भी खाए हुए हैं पर मैंने नहीं खाए। पहुँच गए जी घर, अब ऊपर चलते हैं देखते हैं भाई साहब ऊपर क्या कर रहे हैं, ईंटें चढ़ा रहे हैं, ईंटें चढ़ा के क्या कर रहे हैं देखते हैं। अच्छा खुड्डा बन रहा है, वाह, एक और कबूतरों के लिए खुड्डा बन रहा है, वाह, मिस्त्री बने हुए आज, वाह जी वाह वाह। मोहम्मद जी आज बकरियां लेके नहीं जानी बाहर,
चलो फिर छोड़ो इसे, पेंट झाड़ो, बकरियों को चला के जरा लाओ बाहर से। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।